ना वो लोग इंतहाई बुरे लगते हैं जिसे ना अल्लाह ताला ने अच्छा भला लड़का बनाया होता है और वो फेमस होने के चक्कर में ना लड़की बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। मतलब दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि उमर भट्ट का कैंडल और जुनैद मिर्ज़ा के हवाले से एक और बयान सामने आ चुका है। दिखाएंगे कि इस दफा उमर भट्ट ने लाइव वीडियो में कैंडल को इतनी बातें सुनाई कि हर कोई हैरान ही रह गया। आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे कि जुनैद मिर्ज़ा और कैंडल की एक साथ तस्वीर देखने के बाद उमर भट्ट का क्या कहना था। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे ना वो लोग इंतहाई बुरे लगते हैं जिसे ना अल्लाह ताला ने अच्छा भला लड़का बनाया होता है और वो फेमस होने के चक्कर में ना लड़की बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। मतलब यार, किस किस्म की बेगैरती है? कौन सा कीड़ा आपके अंदर के आपको ना जो मर्दानगी से दूर कर रहा है, ठीक है? मुझे समझ नहीं आती, मतलब क्यों यार? अल्लाह ने आपको अच्छा भला लड़का बनाया, आप क्यों लड़की बन रहे हो? और फिर कुछ ऐसी भी, अच्छा हाँ, मजे की बात यह है, कुछ ऐसे भी फेमिनिस्ट होते हैं और इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि यार, हद कोमे लूत वालों, हद। और दूसरी बात ये, मैं उन लोगों के लिए स्पेशल मेरी लाइन है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो लड़का होकर लड़की बना होता, स्पेशल उनके लिए। अल्लाह आपको भी ऐसी औलाद दे। दोस्तों, ये बात तो आप सब भी जानते हैं कि जैसे ही जुनैद मिर्ज़ा और अलिशबा दोस्तों ये बात तो आप सब भी जानते हैं कि जैसे ही जुनैद मिर्ज़ा और कैंडल के डांस की वीडियो सामने आई तो सब ने कहना शुरू कर दिया कि जुनैद मिर्ज़ा ने अपना न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और कैंडल ही जुनैद मिर्ज़ा का न्यू बॉयफ्रेंड है। सोशल मीडिया पर जुनैद मिर्ज़ा और कैंडल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई और हर कोई इन पर बात करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आपको बताते चलें कि बाद में कैंडल का एक बयान सामने आया था जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने जुनैद मिर्ज़ा की सिस्टर की शादी में बिल्कुल उनके भाइयों की तरह एंट्री की है और उन्होंने सहर मिर्ज़ा को उनका बड़ा भाई बनकर रुखसत किया है। लेकिन उमर भट्ट का कैंडल के बारे में इस तरह के बुरे अल्फाज कहना, फैंस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और अब उनका एक दफ़ा फिर से कहना है कि उन्हें इस तरह के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जो कि इस तरह सोशल मीडिया पर लड़के होकर लड़कियां बनकर घूमते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का जहर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।